Hey guys, this is me Akash from Technical Sky YouTube channel, and today I'm gonna show you one more earphone. Actually, earphone ke company ka naam hai one more. Actually, iska full name hai one more piston fit earphone. And aap dekh sakte ho ki yahan par jo background hai wo thoda sa change ho chuka hai. Just try karne ke liye ki aap logo ko kaisa lagta hai. And mujhe pata hai ki is side se lighting thoda sa kam hai, lekin comment karke batana ki mujhko kya kya improvement karna chahiye. Anyways, aaj ke is video par main jis earphone ka review karne wala hu, ye wala earphone aapko Amazon par mil jayega lagbhag 900 rupaye ke aas pass. And iska price bahut baar fluctuate hota rehta hai Amazon par. And aap mein se bahut sare log mujhko ye bahut dino se bol rahe कि भाई 1000 रुपए के आसपास कोई अच्छा वाला ईयरफोन दिखाओ यार, रिव्यू करो उसका. सो यस, हियर इज द वीडियो. सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो पर मैं इसी ईयरफोन का करने वाला हूँ एक छोटा सा रिव्यू एंड देने वाला हूँ खुद का कुछ ओपिनियंस. सो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे. सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर जो बॉक्स है उसका पैकेजिंग बहुत ही बेसिक सा है, लेकिन जो मेन चीज है वो है ईयरफोन्स. सो हमें तो उसी से मतलब है. सो बॉक्स को इग्नोर करके उसको ओपन करते हैं. इस बॉक्स पर आपको मिलेगा ईयरफोन्स के साथ दो एक्स्ट्रा सिलिकॉन ईयर टिप्स, एंड उसी के साथ मिलेगा एक यूजर मैनुअल. इस ईयरफोन का जो ईयर पीस है एंड यहाँ पर जो 3.5 mm का जो जैक है, उस पर आपको बहुत ही कूल सा मतलब फिनिशिंग देखने को मिलेगा. एज यू कैन सी कि यहाँ पर आपको सीडी फिनिशिंग देखने को मिलेगा, जो कि दिखने में बहुत ही मतलब कूल लगता है. एंड इस पर जो ईयर पीस है उस पर कंपनी ने बहुत ही कमाल का एक चीज ऐड किया है, वो है एक कर्व, जो कि ऐड करने से अगर आप इसको अपने कानों पर लगाते हो तो फिर ये आपके कानों पर बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हो जाता है, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा कंफर्ट फील देगा. अगर आप इसको यूज करोगे तब जाके आप इसको समझ पाओगे. और इन कर्व की वजह से अगर आप इनको पहनकर जॉगिंग वगैरह करते हो तो फिर ये आसानी से आपके कानों से नहीं गिरेगा. वेल, यहाँ पर जो वायर दिया गया है इस ईयरफोन पर वो एक रबर बिल्ड वायर है, जो कि शायद से उतना ज्यादा ड्यूरेबल तो है नहीं. अगर आप इसको खींचते हो तो फिर शायद बहुत ही ज्यादा प्रेशर से ये, चलो छोड़ो. क्वालिटी बहुत ही अच्छा आप इसको कह सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको पकड़ोगे या फिर अगर आप इसको महसूस करोगे तो फिर आप बहुत ही अच्छा खासा आपको फीलिंग मिलेगा, वो अलग बात है. एनीवेज, आपको यहाँ पर एक कंट्रोलर भी मिल जाएगा, जहाँ पर आपको एक साइड पर मिलेगा एक स्विच, जिसके जरिए आप कॉल को पिक कर पाओगे या फिर गाने को पॉज एंड प्ले कर पाओगे. एंड दूसरे साइड पर आपको मिलेगा एक माइक. सो अभी इसको टेस्ट करते हैं. ओके, सो माइक टेस्टिंग 1 2 3. सो इस ईयरफोन का जो माइक है उसका साउंड कुछ इस तरीके का है, आप सुन सकते हो. एंड इस ईयरफोन का रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है, शायद कल आ जाए. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. सो भी तो आप समझ सकते हो कि इसका जो माइक का जो क्वालिटी है वो कैसा है, एवरेज सा है. आप इसके जरिए अच्छे तरीके से बातें कर पाओगे, वॉइस रिकॉर्डिंग भी अच्छा खासा कर लोगे अगर आप इसको यूज करते हो. सो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इस ईयरफोन का साउंड क्वालिटी कैसा है. साउंड क्वालिटी अच्छा है, उतना ज्यादा भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इस पर आपको जो बास है वो उतना ज्यादा पंची आपको सुनने को नहीं मिलेगा. लेकिन यहाँ पर जो म्यूजिक का क्लियरिटी है वो लगभग ठीक ठाक है. एंड अगर आप यहाँ पर हाई बेस वाले गाने को सुनना चाहते हो इस ईयरफोन के थ्रू, तो फिर मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की रिकमेंड करूंगा. स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद इसको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको खुद एक्सपीरियंस किया है. DUB म्यूजिक प्लेयर का मैंने एक रिव्यू किया था एक वीडियो पर, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा. उस वीडियो पर मैंने एक म्यूजिक प्लेयर का रिव्यू किया था, उस पर मैंने बोला कि इस पर आपको बहुत ही हाई बेस वाले गाने को अगर आप सुनना चाहते हो तो फिर आप इसको यूज कर सकते हो. सो इस ईयरफोन के जरिए आप यहाँ पर हाई बेस वाले गाने को सुन पाओगे. सो यहाँ पर जो कॉन था उसको तो मैंने लगभग ठीक ठाक कर दिया है, लेकिन यहाँ पर और एक कॉन है, ये है कि यहाँ पर जो 3.5 mm का जो जैक है उसका मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप इसको लगाने के बाद अपने पॉकेट पर रखते हो तो फिर आपको यहाँ पर कुछ कर्व टाइप का देखने को मिलेगा. शायद इसीलिए यहाँ पर कंपनी ने कुछ फ्लेक्सिबल टाइप का दिया है, ताकि यहाँ पर वायर ना छूटे या फिर जो भी हो. अदरवाइज इस ईयरफोन का जो क्वालिटी है एंड जो साउंड क्वालिटी है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा है. आप इसको जरूर से परचेस कर सकते हो. मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर आप इसको परचेस करते हो अमेजोन से तो फिर आप काफी सेटिस्फाइड होने वाले हो. इस ईयरफोन का मुझे एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, वो ये है कि इस ईयरफोन का जो ईयर पीस है उसका वेट बहुत ही ज्यादा कम है. अगर आप इसको कानों पर लगाकर बहुत ही देर तक गाने को सुनते हो तो फिर आपके कान उतना ज्यादा मतलब दर्द नहीं करेगा, जो कि मतलब दूसरे ईयरफोन्स को लगाने के बाद होता है, मुझे पता है. उसके बाद आपको यहाँ पर जो ईयरपीस है एंड जो वायर है उसी के बीच पर आपको रबर कनेक्शन देखने को मिलेगा, ताकि ये आसानी से ना छूटे. एंड सेम चीज आपको यहाँ पर जो 3.5 mm का जो जैक है उसी के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ताकि वायर ठीक ठाक रहे, ये टूटे ना या फिर छूटे ना, बंधन तोड़ो ना.
साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको परचेस कर लो एंड तो विश करता हूँ कि आपको आज का ये वाला ईयरफोन का जो रिव्यू वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। सो यस, इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना अगर आपको ये वाला रिव्यू पसंद आता है तो। एंड अगर आपके फ्रेंड को कुछ इस टाइप के ईयरफोन्स चाहिए लाइक 1000 रुपये के आसपास, तो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करना। एंड उसी के साथ जो तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें यार। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। So, goodbye.